हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं राहुल और स्वागत है आपका मेरे चैनल रियल एडवाइजर पे। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि मैनकाइंड फार्म में कुछ वैकेंसियां निकली है और वो आपके लायक है, आपके लिए है। तो कैसे ज्वाइन करना है, कहां पे वो वैकेंसी है, क्या सैलरी होगी, तो उसके बारे में मैं आपको स्टेप बाई स्टेप बताने जा रहा हूँ। आशा करता हूँ आपका ये वीडियो पसंद आएगा, आपके लायक रहेगा, आपको जॉब की जानकारी इस वीडियो पर बताई जा रही है। फ्रेंड्स, ये जो मैनकाइंड का न्यू वैकेंसी है, जो वैकेंसी आई है वो आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है और उसमें जो रिक्वायरमेंट है वो रिक्वायरमेंट आपको हिमाचल प्रदेश के लिए है। प्रोडक्शन में आपका ऑफिसर हो गया, टेक्नीशियन हो गया, सीनियर ऑफिसर हो गया, एग्जीक्यूटिव हो गया, असिस्टेंट ऑपरेटर हो गया, ये सारा आपका कौनता हिमाचल प्रदेश के लिए है। तो यहाँ पर कैसे जाना है, क्या करना है, डिस्क्रिप्शन आपको लिंक में दिया हुआ है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने ऑफिसर पे सेलेक्ट कर दिया। ऑफिसर के लिए आपका कोंटा के लिए है, तो यदि आप ऑफिसर में जाना चाहते हैं तो आपको बस ऑफिसर पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये उसके रिक्वायरमेंट है, जॉब नॉलेज, स्पेसिफिक पोजीशन के लिए, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये सारे प्रोसेस। और उसके बाद आप देख रहे होंगे एक यहाँ पे ऑप्शन होगा अप्लाई नाउ का, तो यहाँ पे आपको अप्लाई कर देना है। कैसे अप्लाई करना है मैं वही बताने जा रहा हूँ आपको। यहाँ पे आपको क्लिक करना है। आप जैसे ही यहाँ पे क्लिक करोगे एक नया पेज खुलेगा और यहाँ पे आपको अपना एक नया अकाउंट बनाना पड़ेगा। यदि आप नया अकाउंट बनाते हो तो इससे आपको क्या फायदा है कि इन फ्यूचर कभी भी रिक्वायरमेंट होगी तो आपका रिज्यूमे वहाँ पे ऑलरेडी सेव रहेगा। वहाँ के जो एचआर है, जो दिल्ली में बैठे हुए हैं, वो आपका रिज्यूम देख सकते हैं, आपका एक्सपीरियंस के हिसाब से आपको डायरेक्ट मेल भी कर सकते हैं, कॉल भी कर सकते हैं। तो ये प्रोसेस था ऑफिसर में जाने का। इसी तरह से और भी बहुत सारी वैकेंसियाँ हैं, जैसे आपका टेक्नीशियन का हो गया प्रोडक्शन में, सीनियर ऑफिसर हो गया क्वालिटी कंट्रोल में, एग्जीक्यूटिव हो गया असिस्टेंट ऑपरेटर में। ये सारी चीज़ें जो हैं वो फरवरी में निकली है और अभी इसका रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं हुआ है। असिस्टेंट ऑफिसर हो गया, ट्रेनिंग ऑफिसर हो गया, सीनियर ऑफिसर हो गया। तो फ्रेंड्स, ये आपके लिए काफ़ी नॉलेजेबल जॉब है, अच्छा जॉब है। यदि आप इस एक्सपीरियंस में हैं तो आप इसे मेरे लिंक से ओपन करके आप यहाँ पर अप्लाई करें और मे बी हो सकता है कि आपका हो जाए इस कंपनी में इस पोस्ट के लिए, जैसा कि आप जॉब सर्च कर रहे हैं। तो मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।